झारखंड के जिला सिमडेगा के बानो प्रखंड के कनारोवा पंचायत के हल्डी बेदा व कोयला बेड़ा के ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी यादव बैठा को ज्ञापन सौंपकर गांव में बिजली बहाल करने की मांग की। जानकारी के अनुसार ग्राम जराकेल में कोयल बेड़ा एवं बड़ो मदा के सभी टोली में अब तक बिजली नहीं पहुँच पाई है, जबकि बगल के गाँव बरबेड़ा में विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। विद्युत विभाग को बार बार कहने के बावजूद भी कार्य देख रेख संवेदक द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी बानो को एक ज्ञापन सौंपकर बिजली बहाल करने की मांग की है। वीडियो ने भी उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मौके पर जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष निरंजन जोजोवार, विकास मघिया, सुनील सिंह, नमन लुगुन, बलराम लुगुन, प्रेमिला देवी आदि लोग उपस्थित रहे। से हम लोग आए हैं आज आवेदन देने के लिए वीडियो साहब को और बिजली विभाग को लेकर, बिजली को लेकर समस्या को। कोयला बेड़ा और बड़ौदा रेवन्यू विलेज में अभी तक आज़ादी का 73 साल हो गया, मगर अभी तक लाइट ही लोग को देखने का नसीब नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम लोग वीडियो साहब के पास आए हैं अप्लीकेशन देने के लिए। इस बार पूरा उम्मीद है, हम लोग को विश्वास है इस बार होगा। कितने परिवार हैं? बड़ौदा में लगभग 60-70 परिवार हैं और कोयला बेड़ा में 25 परिवार हैं लगभग। आप लोगों ने कहीं पहले बोला है किसी को बिजली के लिए? पहले बिजली विभाग को बोला गया था, एप्लीकेशन भी एक आध बार दिया गया था, मगर किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया गया। जैसे बोलने सुनने में आया कि जेरेडा का वहाँ जिम्मा है, मगर जेरेडा पता नहीं क्या किया क्या नहीं, और हम लोग को नहीं पता है। और उसमें एक चीज लिखा गया था कि न्यूज में भी लिखा गया था कि वहाँ पे पोल पहुँचने का संभावना नहीं है, मगर वो पूरा पक्की रोड वहाँ पहुँचा हुआ है, तो इस तरह कोई दिक्कत नहीं है पोल पहुँचने का कोई। अखंड भारत न्यूज के लिए शिवनंदन वड़ाई की रिपोर्ट, सिमडेगा का।